नेपाल के प्रधानमंत्री ओली ने जो बयान दिया है, मैं जगत गुरु परमहंस आचार्य आचार्य पीठ श्री तपस्वी जी छावनी रामघाट अयोध्या से, मैं इसकी घोर निंदा करता हूं और मैं चैलेंज करता हूं कि माओवादी नेता ओली ने जो बयान दिया है इसके गंभीर परिणाम उनको भुगतने होंगे। और नेपाल और भारत का रोटी बेटी का रिश्ता रहा है। अयोध्या का जो वर्णन वेदों में है, पुराणों में है, वाल्मीकि रामायण में है, तुलसीकृत रामायण में है कि अयोध्या के उत्तर दिशा में सरयू प्रवाहित होती हैं, और जो भी वर्णन है वह भारत के उत्तर प्रदेश स्थित अयोध्या का वर्णन है। ओली जिसका जिक्र कर रहे हैं, जिस गांव का, अरे राजा राम अवध राजधानी पूरे विश्व में अन्य देशों में राजा हुआ करते थे और सबके ऊपर नेतृत्व करने वाले चक्रवर्ती सम्राट भारत, और भारत में भी अयोध्या में बैठा करते थे, चाहे महाराज रघु हो, महाराज दशरथ हो और या मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हो। लेकिन ओली ने जो घिनौना बयान दिया है इससे जो है पूरे देश की जो जनता है, भारतीय जनता को तो ये लग रहा है कि ये माओवादी अब आतंकवाद की राह पर चल पड़ा है चीन और पाकिस्तान के इशारे पर। और जो नेपाल के नेपाली जो धार्मिक नागरिक हैं उनको भी इससे निश्चित रूप से बहुत कठोर जो है तो उनको आघात पहुंचा है। और कल से पूरे नेपाल में इसके लिए प्रदर्शन जारी हो जाएगा। मैं इसके लिए धर्मादेश भी जारी करता हूं कि जो भी हमारे लाखों भक्त लाखों शिष्य नेपाली हैं वह जो है कल से रोड पर उतरेंगे और ये एक महीने के अंदर ओली को सत्ता से बहिष्कृत करेंगे, क्योंकि ओली जब से आया है तब से नेपाल को निरंतर पतन के गर्त में गिरा रहा है। और अब ये माओवादी का नेता रहा है और अब चीन और पाकिस्तान के इशारे पर यह आतंकवादियों की भाषा बोलना शुरू कर दिया है। नेपाल प्रधानमंत्री जी के द्वारा दिया गया वक्तव्य हमारे आराध्य, हमारे प्रभु, हमारे भगवान श्री राम के प्रति दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि नेपाल सदैव से हिंदू राष्ट्र रहा है, सनातन धर्म के मानने वाले, लेकिन कष्ट इस बात की है कि जब से नेपाल वामपंथियों के कुचक्र में आया, जब से नेपाल चाइना के सह में आया, तब से नेपाल के प्रधानमंत्री जी का बुद्धि भ्रष्ट हो गया। कब क्या बोलने कोई भरोसा नहीं है। इसके नाते मेरे वेद, मेरे पुराण, मेरे शास्त्र, मेरे उपनिषद में भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या, आप देखिए कल कल बहती हुई माँ सरजू की पावन तट पे अयोध्या बसा हुआ है, जहाँ पे महाराजा दशरथ के पुत्र भगवान से राम माने जाते हैं। वेद पुराण शास्त्र उपनिषद में इसका वर्णन है। हम लोग पुरजोर विरोध करते हैं, खंडन करते हैं, नेपाल के प्रधानमंत्री माफ़ी मांगे। मैं प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूँगा कि नेपाल के जो प्रधानमंत्री हैं उसके द्वारा दिया गया वक्तव्य ये दुर्भाग्यपूर्ण है, और उससे वार्ता करें कि वो माफ़ी मांगे, नहीं तो साधु संतों में इसका एक रोष है, हिंदू जनमानस में इसका रोष है। नेपाल के प्रधानमंत्री को वस्तुतः इतिहास का ज्ञान नहीं है। नेपाल इतिहास में अगर देखा जाए तो कभी भारतवर्ष से अलग रहा ही नहीं है, और आज वो भारतवर्ष से नेपाल को अलग करने की कोशिश कर रहे हैं। आज भी भारत में जो संस्कृति, जो संस्कार है, वो नेपाल के जन जन तक वही संस्कार और वही संस्कृति है। हम अगर वैकुंठ की कामना करते हैं तो वैकुंठ की कामना वो भी करते हैं। जिस देवता की पूजा हम करते हैं उसी देवता की पूजा वो करते हैं। जिस ब्रह्म को हम मानते हैं उसी ब्रह्म को वो मानते हैं। और वस्तुतः सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री जो हैं वो दिमागी दिवालियापन के पूर्णतः शिकार हो चुके हैं। उनको नेपाल की जनता से नहीं लेना देना है, उनको अपनी कुर्सी से लेना देना है, और उनकी कुर्सी सुरक्षित रख रही है चीन। शी जिनपिंग के इशारे पर वो उनको खुश करने के लिए पागलों के जैसे वक्तव्य दे रहे हैं। नेपाल और भारत का संबंध रोटी और बेटी का है। शास्त्र आप उठा करके देख लें, जो संबंध नेपाल का भारत के साथ है वो संबंध विश्व में कहीं और नहीं है। हम राम को जो ब्रह्म मानते हैं वो आदिशक्ति वहाँ की हैं और ब्रह्म यहाँ के हैं, तो आदिशक्ति और ब्रह्म का सम्मिलन है यहाँ पर, और यहाँ पर कोई अलग करने की बात ही नहीं हो रही है। मुझे तो ये लगता है कि प्रधानमंत्री दिमागी दिवालियापन के शिकार हो चुके हैं, इसलिए उनकी बातों को बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि शास्त्र ने भी कहा है बातुल भूत विवस मतवारे ते नहीं बोल नहीं वचन विचारे तिनकर कहा करिए नहीं काना। और मैं एक नेपाल की जनता से निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसे पागल प्रधानमंत्री को उठा करके उखाड़ करके फेंक दे वो। नेपाल का हित इसमें है।
और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।